Once again, both of us welcomes you in Guru Niti of this topic, Application of Zoology. ये थर्ड गुरु नीति इस टॉपिक की. मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद, सीनियर फैकल्टी इन जूलॉजी, वर्किंग इन सीएलसी सिंस लास्ट 4 years, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड मनोहर संदेलिया, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर. आज हम गुरु नीति का नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं. आप सभी का स्वागत है इसमें, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज और कैंसर एड्स जैसी डिजीज है वो करीब करीब इसमें डिस्कस करेंगे अपने. पहला क्वेश्चन है एलर्जेंस आर. एलर्जेंस जो होते हैं ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस को जो है स्टिमुलेट करते हैं. तो दीज आर इंफेक्शंस, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीई, नॉन इंफेक्शन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीई, इंफेक्शंस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीजी, नॉन इंफेक्शन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीएम. तो अपने को बेसिक्स पता होने चाहिए. एक क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी में सर इसके बारे में बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं है. तो जो बॉडी के अंदर जब कोई एलर्जन एंटर करता है तो जो मास्ट सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, बेसोफिल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं, और ऐसी प्लाज्मा सेल्स जो कि आईजीई बनाती हैं वो तैयार हो जाती हैं. तो वो मिल मिला के कलेक्टिवली एक टीम की तरह काम करके और फिर वो एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को अपने को मिलता है, जिसमें हो सकता है बॉडी में ईचिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, स्वेलिंग आ जाए, है ना, जो वाटरी सिक्रीशन है उनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, एंड सो ऑन. ये एलर्जिक रिएक्शन कहलाते हैं. तो अब इन रिएक्शन को अपन जो कहते हैं कि कब होंगे, तो ये इन्फेक्शियस पार्टिकल नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, है ना, ये इन्फेक्शन नहीं होता. मान लीजिए कोई धूल का पार्टिकल या कोई डस्ट का पार्टिकल अपन कह सकते हैं वो बॉडी में एंटर किया तो नॉन इन्फेक्शन है. एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीई, वो आईजीई का प्रोडक्शन बढ़ा देगा जो कि बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, और अल्टीमेटली जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया वो सारे सिम्टम्स फिर दिखने लग जाते हैं. तो यहाँ पर एलर्जेंस जो होते हैं वो कैसे होगा बेटा, नॉन इन्फेक्शन एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ आईजीई. जी का यहाँ पे लेना देना नहीं है, है ना, एम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. क्यों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये एड्रिनल मेडुला को इफेक्ट करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स को नहीं करता. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग एड्रिनल कोर्टेक्स दे दिया तो ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया. इट कैन बी कॉज कैंसर इन लंग्स और कैविटी थ्रोट एंड यूरिनरी ब्लैडर. करेक्ट है ये, एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं कि कंटिन्यू टबेको का यूज करने से इस तरह के ऑरल कैंसर है, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर ये हो जाते हैं. उसके बाद इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो जाती है, और इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस भी हो जाती है. तो ये भी इसके लिए करेक्ट है. स्मोकिंग कैन कॉज एम्फाइसिमा. कंटिन्यू जो स्मोकर होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करने वाले जो लोग होते हैं उनमें एम्फाइसिमा की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है. क्लियर? तो ये भी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. तो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. और फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ एड्रिनल मेडुला को इफेक्ट कर सकता है, निकोटिन एड्रिनल कोर्टेक्स को नहीं करता. क्लियर? तो ये सब सही है. फर्स्ट वाला फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया इसका. सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे अपीयर ड्यूरिंग विथड्रॉल सिंड्रोम ऑफ अ ड्रग और अल्कोहल. देखिए होता क्या है, आपको इसको थोड़ी सी बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई पर्सन है ना, चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, वो ड्रग या अल्कोहल का यूज करना तो बॉडी धीरे धीरे क्या होता है उसका गुलाम होता जाता है. तो वो बॉडी जो है जब उसका गुलाम हो जाता है, उसके अधीन काम करने लग जाता है, या यूं कह सकते हैं उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, और अचानक अपन उसको ड्रग को या अल्कोहल को लेना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, तो बॉडी जो है रेस्पॉन्स शो करता है, एंड वो रेस्पॉन्स कहलाता है विथड्रॉल, है ना. अब इसके अंदर ये पूछ रहा है फॉलोइंग में अपीयर, मतलब दिख सकते हैं ड्यूरिंग विड्रॉल सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब है कि कई चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी. सिंड्रोम का मतलब क्या है, कई चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी जब आप एक ड्रग को एब्रप्टली लेना बंद कर देंगे या अल्कोहल को एब्रप्टली लेना बंद कर देंगे. उसमें एंग्जाइटी भी होगी, है ना, बड़ी बेचैनी से महसूस होती है, शेकीनेस. शेकीनेस का मतलब हाथ पैर में ट्रीमर्स आते हैं, कंपन होते हैं इस तरह से,
नॉजिया एंड स्वेटिंग, नॉजिया मतलब उल्टी जैसा मन होता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये सब चीजें सही हो जाती हैं और ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑल ऑफ करेक्ट। अब इसमें देखिए आप नेक्स्ट 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट फॉर बिनाइन ट्यूमर ऑफ कैंसर। कैंसर में आपको ध्यान है दो टाइप की ट्यूमर बनती है, बिनाइन ट्यूमर होती है जिनको अपने कह सकते हैं कैप्सुलेटेड ट्यूमर, और दूसरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है जो इसके लिए फैटल हो जाती है, जहाँ मेटास्टेसिस भी पॉसिबल होती है। मेटास्टेसिस जहाँ उसकी कैंसरस सेल्स जो है वो ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी ट्यूमर बना दे, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है फॉर बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर के लिए इनकरेक्ट कौन सा होगा, ए रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल प्लेस। करेक्ट है ये अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही जाती है, जहाँ ट्यूमर होगी वहीं पर वो ट्यूमर बनी रहेगी। सो फास्ट ग्रोथ नहीं होती इसकी, मैलिग्नेंट ट्यूमर की फास्ट ग्रोथ होती है, तो स्लो ग्रोथ होती है इसकी, तो ये इसमें इसके लिए इनकरेक्ट हो गया। कॉज लिटिल डैमेज, ये सही है, इसमें सराउंडिंग सेल्स को जो है वो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकती, इसलिए ये इसका करेक्ट है। डी इट्स सेल्स सो मेटास्टेसिस, ये इसके लिए रॉन्ग है। मेटास्टेसिस कौन सी ट्यूमर फैलाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर तो सर, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये इसका बिनाइन ट्यूमर के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए डी बी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो कौन कौन से बता देंगे, बी एंड डी, तो ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा कि बी एंड डी जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर। Which of the following is not a physical carcinogen? Carcinogen ऐसे substance को कहते हैं जो cancer cause कर सकता है, है ना? Physical carcinogens के अंदर जितने भी harmful जो rays होती हैं, ये सारे included. Ionizing X-rays, है ना? Ionizing gamma rays, non-ionizing radiation like UV rays, carcinogen present in tobacco smoke. अब ये पूछ रहे हैं not, नहीं है, तो तंबाकू का जो सिगरेट बीड़ी का जो धुआं होता है उसमें जो कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है वो फिजिकल की कैटेगरी में नहीं आते, वो केमिकल कार्सिनोजन है। तो टोबैको स्मोक वाले जो कार्सिनोजन है वो केमिकल कार्सिनोजन होते हैं, तो ये फिजिकल कार्सिनोजन नहीं है, इसलिए ये इसमें इसका तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर, है ना, ये सारे फिजिकल कार्सिनोजन। व्हिच ऑफ दीस कैन बी डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर कैंसर, कैंसर के लिए जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो इसमें कौन सी रहेगी, बायोप्सी काम में लेते हैं, सिटी स्कैन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, ये ट्रीटमेंट में काम आता है, ये भी होता है, इट इज यूज्ड इन एमआरआई, ये भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी इसके लिए कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, रेडियोथेरेपी ये ट्रीटमेंट के लिए, ये ट्रीटमेंट, तो ये आप देख रहे हो कि सी एंड ई ये ट्रीटमेंट से रिलेट है, बाकी बायोप्सी जिसमें टिश्यू की सेक्शन कटिंग की जाती है उस माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं वो बायोप्सी है, तो बायोप्सी भी इसके लिए सिटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग और एमआरआई, तो ए बी एंड डी ये इसके लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक है। कौन सा हो जाएगा इसके सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड डी। The hypervariable regions responsible for antigen binding is contributed by, अब जैसे अपन ने अभी पिछली जो गुरु नीति थी उसमें भी ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को डिजाइन करके बताया था, तो इसके अंदर ये तो हो गई हैवी चेन, ये हो गई लाइट चेन, हैवी चेन लाइट चेन, अब इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा ये वेरिएबल रीजन है और नीचे वाला कांस्टेंट रीजन है, ये इसका वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाइपर वेरिएबल रीजन रिस्पांसिबल फॉर इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके अंदर लाइट और हैवी चेन दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसके अंदर दो तो हो गई लाइट चेन और दो हो गई हैवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते है ना, तो इसके अंदर लाइट चेन ओनली, अगर लाइट चेन ओनली बोलते हैं तो किसका मतलब हो गया केवल ये लाइट चेन हो गई, हैवी चेन ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ ये हैवी चेन हो, लेकिन वो तो नहीं है, दोनों मिलके बनाते हैं कलेक्टिवली दे फॉर्म में, तो
ये पैराटोप हो गया जो कि दोनों मिलके बनाते हैं, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा थर्ड, टू लाइट एंड टू हैवी चेन, जो मिलके बनाते हैं वेरिएबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स वेयर एज द रिमेनिंग थ्री आर, इट मींस जो थ्री सेल्स है फोर ऑप्शन में, थ्री सेल्स ऐसी होंगी जिनके अंदर कैंसर सेल के प्रॉपर्टी होंगी, एक सेल ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है, एक इनमें ऐसी है जिसमें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, करेक्ट है। कैंसर का मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि सेल्स पर की ग्रोथ एंड डिवाइडेशन जो है वो इनमें कैसे हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अनियंत्रित वृद्धि होती है, विभाजन होता है, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये नहीं शो कर, ये गलत है। कैंसरस सेल है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी तो लॉस्ट होती है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है, बाकी तो सेल में क्या होता है ये प्रॉपर्टी होती है जब तक उसमें प्रोटो ओंकोजीन होता है तब तक उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, और जब वो प्रोटो ओंकोजीन ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है तो ये प्रॉपर्टी उसकी लॉस्ट हो जाती है, तो ये देखा है तो दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं कर, दे कंपीट विद नॉर्मल सेल्स फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, ये करेक्ट है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, मेटास्टेसिस हो जाता तो माइग्रेट कर जाते हैं, तो नहीं सीमित नहीं बनी रहती है, ये बात भी सही है, ये मेटास्टेसिस भी कर सकती है, तो कैंसर सेल्स का प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्लियर, तो ये इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है इसमें नेक्स्ट पे, व्हिच हार्मोन इज प्राइमरीली प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन जब बॉडी के अंदर होता है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनलिन प्रोड्यूस करने लग जाती है, उसका जो मेडुलरी पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का दैट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एड्रिनलिन इन इंक्रीज अमाउंट, है ना, तो आंसर इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट, ये एड्रिनलिन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का कोई रोल नहीं होता, है ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड का कोई रोल नहीं होता, नॉर एड्रिनलिन जो होता है वो एड्रिनलिन का प्रीकर्सर है, इसलिए पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है, एलर्जी कारक अभिक्रिया के विरुद्ध उत्पन्न प्रमुख हार्मोन है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एड्रिनल मेडुला से, क्लियर। मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक यूज्ड बाय डॉक्टर इज, डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक है, ज्यादातर डॉक्टर्स वगैरह जो है वो जब कोई सर्जरी का पेशेंट होता है तो उसको दर्द को कम करने के लिए पेन किलर के रूप में जो है वो उसको मॉर्फिन देते हैं, क्लियर, तो ये इनमें इसके लिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए, मॉर्फिन, हेरोइन, स्पेक, कोक, तो मॉर्फिन इसके लिए यूज होती है, आपको ध्यान होगा ये सेडेटिव एंड पेन किलर जो है वो ड्रग्स के रूप में इसको यूज करते हैं, मॉर्फिन जो है इसको किसमें यूज करते हैं, सेडेटिव, और इसके साथ साथ जो है वो इसको पेन किलर दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है, तो ये इसमें माय डॉक्टर्स इन, तो ये मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, क्लियर, नींद आती है इनसे, हाँ सेडेटिव है ये, स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ओपियोइड नारकोटिक्स, ओपियोइड नारकोटिक्स, नारकोटिक मतलब ऐसी ड्रग जो कि बॉडी पे एक हार्मफुल इफेक्ट शो करे वो नारकोटिक्स कहलाती है, है ना, ओपियोइड मतलब वो है जो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करती है सीएनएस में, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या सही है, है ना, दे कैन कॉज हेलुसिनेशंस, इनकरेक्ट है, हां हेलुसिनेशन के लिए कौन सी है, कैनबिनॉइड्स या फिर कोका एल्केलॉइड्स जो है वो हेलुसिनेशन इन नेचर की होगी, देयर एडिक्शन कॉजेस इफेक्ट्स कॉल्ड बैड ट्रिप्स, बैड ट्रिप्स का मतलब ये होता है यहाँ पे फियर है, डिप्रेशन, गलत चीज है, मतलब इस टाइप के ना साइकेडेलिक ड्रग्स, एक्चुअली एनसीईआरटी से बाहर गए, इसमें ये वर्ड लिखा नहीं है, ये वर्ड है, साइकेडेलिक ड्रग्स, द एडिक्शन कॉजेस इफेक्ट्स कॉल्ड बैड ट्रिप्स, तो ये भी इसके लिए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और नेक्स्ट है देयर रिसेप्टर्स आर फाउंड इन सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये सही सही है, इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सीएनएस में होते हैं और उसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल जीआईटी में होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, तो ये इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। दे कैन कॉज फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड यूफोरिया, फीलिंग ऑफ एनर्जी एंड यूफोरिया के लिए कौन से होते हैं, कैनबिनॉइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स जो है वो यूफोरिया के लिए, हेलुसिनोजेनिक नेचर के लिए इनके लिए होते हैं, तो ये इसके लिए
ओपियोइड ड्रग्स के लिए नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसके लिए कौन सा होगा? करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा, द रिसेप्टर्स आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। क्लियर? Which of the following drug is used in treatments of AIDS? ये देखो NCERT से बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। साइक्लोस्पोरिन आपको पता है ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, इम्यून सप्रेसेंट ड्रग है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग में यहाँ पे करेक्शन है, बेंजोडाइजेपिन्स ये गैप नहीं आता और ये एच नहीं आता यहाँ पर, बेंजोडाइजेपिन्स एक ही शब्द है ये। तो ये बेंजोडाइजेपिन तो क्या है, स्लीप को इंड्यूस करते हैं, है ना, नींद आती है इनसे। साइक्लोस्पोरिन तो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है। बेंजोडाइजेपिन जो होती है एंजाइटी को कम कर देती है, नींद लाती है। AZT एसिटोथायमिडीन ये एक एंटी एड ड्रग है जिसका यूज होता है। सिफोटेक्सिम एक एंटीबायोटिक है, सिफालोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोलाइटिक ड्रग है। तो यहाँ पर ये एंटी एड्स ड्रग पूछ रहा है, एसिटोथायमिडीन करेक्ट ऑप्शन इज 3। Which of the following occurs in SCID? Severe combined immunodeficiency disease है, उसके लिए correct statement कौन सा है? Clear? Stem cells fails to produce B cells and T cells. Correct है? Stem cells जो है वो B cells और T cells दोनों का production बंद कर देती bone है। Marrow. तो ये bone marrow में होती है stem cells। जो है वो जो B cell, T cell दोनों ही numbers में reduce हो जाती हैं, तो severe combined immunodeficiency disease हो जाती है। SCID डिजीज हो जाती है, एड्स की तरह ही SCID भी क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो ये इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो ये एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है जिसमें बी सेल और टी सेल्स दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ओनली हेल्पर टी सेल्स गेट डिस्टॉर्ड बट अदर टी सेल्स प्रेजेंट। गलत है, T cells present but antibodies are absent. Immune system has antibodies but phagocyte absent. गलत है। तो ये इनके अंदर जो है वो क्या होगा, SCID में जो stem cells है वो दोनों ही B और T cells का production बंद कर देती है, कम कर देती है। तो दोनों की deficiency होने का है, क्योंकि body में immunity कौन provide करेगा, B cell और T cells, B lymphocyte और T lymphocytes से responsible होती है immunity के लिए। जब ये दोनों ही सेल्स नंबर में रिड्यूस हो जाएंगे तो इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएंगे, जिसको कहेंगे SCID। क्लियर? इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धतूरे का है, हाँ, पुष्पी शाखा की दर्शाता है धतूरा, है ना, ये तो पहचानना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पर कुछ बताने का कुछ है नहीं। खूब सारे अपने आस पास में आप लोग देखते हो, वीड है तो हाँ, तो ये खूब सारे एनसीईआरटी का इससे ले आओ फोटो है, ध्यान होगा आपको। धतूरा जो है ओस्मोनियम, ये किस टाइप की ड्रग्स होती है, ये इनमें कौन सी है, कैनबिनोइड्स या कोका एल्केलॉइड्स, किस टाइप के, हेलुसिनोजेनिक नेचर भी होती है इनकी, तो इस टाइप से साइकेडेलिक टाइप की जो है, टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, धतूरे के बीज और ये फूल सब बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, उससे उसका वो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे drug which interfere with the transport of dopamine in brain is मस्तिष्क में dopamine के संचरण में कौन सी औषधि दखल देती है, methyl morphine, diacetyl morphine, diacetyl morphine hydrochloride, cocaine, क्या होगी transport of dopamine in brain? diacetyl morphine जो है वो dopamine के transport को जो है वो interfere करेगी, क्या होना चाहिए इसमें करेक्ट आंसर जो है वो इसका, सॉरी डोपामिन इन ब्रेन, हाँ इसमें कोकेन, कोकेन हो जाएगी, कोका, हाँ ये इनके अंदर ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को जो इंटरफेयर कर रही है उसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो कोकेन हो जाएगा। क्लियर? देखिए डोपामिन जो है ना वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में कोई 500 न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, डोपामिन इज वन ऑफ देम। तो ये डोपामिन जो है ये अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता है, और जब आप कोकेन जैसी ड्रग ले लेते हैं तो डोपामिन का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है, उससे क्या है बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है, इंसान का जो बिहेवियर होता है नेचुरल जो कुदरती एक सही बिहेवियर होता है वो बिगड़ जाता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट। तो
उसमें कोकेन आ जाएगा करेक्ट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कैनाबिस सटाइवा. अब ये नॉट का पूछा है, ये तो तीनों हशीश भी है, कैनाबिस सटाइवा चरस भी है, गांजा भी है, ये उससे मिलता कैक्टस से. कैक्टस होता है ना कांटे वाला, लेकिन ये बिना कांटे वाला कैक्टस है, है ना, स्पाइनलेस. इससे प्रोड्यूस हो रहा है और बाकी सारे जो है वो कैनाबिस सटाइवा से, जो आपने पढ़ा होगा भी कैनाबिनोइड्स में कैनाबिस ये हेलुसिनोजेनिक ड्रग प्रोड्यूस करता है. ये क्या है, इट इज ए, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेस्कलाइन क्या है. ये कैक्टस है, नॉर्मल कैक्टस में कांटे होते हैं, ये कांटे वाला नहीं है, है ना, और इससे ये जो ड्रग मिली है ना मेस्कलाइन, ये एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग होती है, ठीक है, तो ये इससे नहीं मिल रही. आंसर हो गया इसका 4. पढ़ा है कि इसकी लीव्स फ्लावर है, फ्लावर टिप्स है, इन्फ्लोरेसेंसिंग के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो ये एल्कलॉइड्स मिल रहे हैं, तो ये इनके अंदर इसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है, 4 हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट ड्रग व्हिच इज ऑब्टेंड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. मॉर्फिन का एसिटाइलेशन से तो क्या बनता है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन. ये तो शायद स्मैक को कहते हैं, समझ गए, है ना, ये स्मैक इसके अंदर सही है. अब इसमें देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना अपने को, तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीस डेज कैनेबिनोइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन. सही है, कई स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी जो आप देखते हो, सुनने में आता है कई बार कि वो डोपिंग के केस में जो है वो खिलाड़ी को मेडल्स दे लेते हैं वापस, तो वो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, कई बार अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो है वो कई तरह की कैनाबिनोइड्स का यूज करते हैं. क्लियर, तो एक ये इसका करेक्ट है. विथड्रॉल सिंड्रोम इज ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस ऑफ ड्रग्स अल्कोहल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी शेकिनेस एंड स्वेटिंग. सही है, ये भी करेक्ट है कि अगर अचानक कोई ड्रग्स अल्कोहल लेने वाला जो है वो अगर छोड़ दे इनको, तो इसमें एंजाइटी शेकिनेस इस तरह के सिम्टम आ जाएंगे. ये भी करेक्ट है इसका. इसके बाद सी है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स कॉजेस एक्ने, एक्ने रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल, जिसमें टेस्टिस एपिडर्माइस इनकी साइज रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन. सही है, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का कंटिन्यू यूज करने से, ये भी किस में आते हैं, डोपिंग में आते हैं, तो इनका कंटिन्यू यूज करने के कारण जो है वो मेल में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. डी, ADS and hepatitis B infection does not occur in group of drug addicts who use intravenous drug injection. ये इसके लिए incorrect है. तो क्या इसमें ADS and hepatitis B किस तरह की disease है? ADS और hepatitis B जो disease है वो इनके अंदर body fluid के through जो है वो transmit होने वाली disease है. तो अगर ये intravenous जो drugs का use कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं इनके अंदर group में intravenous drugs use कर रहे हैं, तो वो injections के through क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे में जो है वो इन डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं. क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें, इसमें ये आर करेक्ट, सही पूछा है ना, करेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ए बी एंड सी, तो कहां लिख रखा है, ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर इज फोर्थ. फोर्थ आंसर इज नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही है, स्नेक बाइट्स एंटीजेंस आर इंजेक्टेड इन ट्रीटमेंट, तो ऐसा तो होता नहीं, एंटीजन तो एंटीबॉडी एंटीबॉडीज डाली जाती है, गलत हो गया, अपने को तो सही ढूंढना है ना, ये तो गलत है. मॉर्फिन यूज एज अ सेडेटिव एंड पेन किलर, ये बात ठीक है, नींद आती है और इससे दर्द दूर हो जाता है, है ना, मॉर्फिन के डेरिवेटिव्स काम में लेते हैं. निकोटीन स्टिमुलेट द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे तो ऐसा कुछ है नहीं, इसका इफेक्ट किस पे इफेक्ट करता है, एड्रेनल मेडुला पे इफेक्ट करता है, ये गलत हो गया. कैंसर इंक्रीज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो इंक्रीज नहीं, खत्म हो जाता है, ये भी गलत हो गया.
तो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, अगर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता है कि ये जो है करेक्ट पूछा है, तो मॉर्फिन इसके डेरिवेटिव्स को अपन पेन किलर के तौर पे काम में लेते हैं। आंसर इज टू। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मेटास्टेसिस। ये इसके लिए कौन सी रेडिएशंस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सरेज, सेकंड सम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जस्ट लाइक यूवी रेज, यूवी रेज है सम आयनाइजिंग रेडिएशंस, बी एंड डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, ओनली ए एंड डी, ऑल ऑफ दीज, सारी तरह की रेडिएशंस जो है वो इनके डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। क्लियर? तो सारी तरह की कर सकती हैं। ऑप्शन फोर तो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर? रेडियोथेरेपी जो यूज करते हैं तो उनके अंदर जो है वो सारी इस तरह के डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत चीज पूछी है विद रेस्पेक्ट टू एड्स, एड्स के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं ना, एड्स पेशेंट कैन नॉट बी फुल्ली क्योर्ड विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, कैन नॉट बी फुल्ली क्योर्ड, फुल्ली क्योर कर नहीं सकते, तो नहीं कर सकते, तो सही है ये बात, है ना? करेक्ट है ये बात, तो ठीक है। एचआईवी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड विद ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इंफेक्टेड पर्सन, ये भी सही बात है, है ना? उससे ट्रांसमिटर नहीं होता, संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से एड्स नहीं फैलता, नहीं फैलता, ये केवल बॉडी फ्लूइड का जो ट्रांसमिशन होगा ब्लड के या इसके सब उसके थ्रू, एड्स के थ्रू। एचआईवी फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स ल्यूकोसाइट्स नॉट टी हेल्पर सेल्स, तो ये एचआईवी फर्स्ट इन्फेक्ट तो मैक्रोफेज में जाता है ना, तो फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी में जाएगा, नॉट टी हेल्पर सेल, तो ये स्टेटमेंट जो है किल दे रखा साथ में, उसको किल नहीं करता, किल नहीं करता, मल्टीप्लाई जाके अपने आप को मल्टीप्लाई बनाता है अपनी, लेकिन वहां उसके अंदर क्या दे रखा है, चाहिए फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स को जिसमें वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, जहां पहले अटैक कर रहा है उसको किल नहीं करता, वहां भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करता रहेगा। एचआईवी इज अ लेंटीवायरस एज वेल एज रिट्रोवायरस, तो ये वायरसेस की फैमिली है, उसके अंदर इंक्लूडेड है, जो आरएनए वायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके डीएनए बनाते हैं, ये रिट्रोवायरस कहलाते हैं, ये रिट्रोवायरस लेंटीवायरस में है, लेंटीवायरिडी फैमिली का है, तो अब इसमें ये भी सही है, है ना? गलत जो है वो है ये थर्ड स्टेटमेंट, है ना? एचआईवी फर्स्ट इन्फेक्ट एंड किल्स, ये किल्स वाला जो कांसेप्ट है यहां पर, इसके कारण इसको रॉन्ग मान, इस बेसिस पे अपन आंसर कर देते हैं इसमें, कि ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्ट ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्ट करा, ल्यूकोसाइट्स में कौन सी, ये ल्यूकोसाइट्स को इन्फेक्ट करा एक तो, और दूसरा जो है वो इनके अंदर क्या दे रखा है, उसको किल कर रहा है, किल नहीं करता है उसको, क्लियर? मल्टीप्लाई करता, अपनी कॉपी बनाता उसके अंदर। फिगर एंड बी आर, ए क्या है, ये इसमें भांग की पत्तियां है, कैनबिस, और दूसरा जो है वो इसमें डटूरा है, तो ए ये कैनबिस और बी डटूरा, तो कैनबिस या भांग जो है वो कौन सा, हेम्प प्लांट हो गया, भांग का पौधा जो है वो क्या है, हेम्प, तो हेम्प प्लांट हो गया ये, और बी जो है वो इसमें डटूरा है। क्लियर? इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, समझ गए? लेकिन पढ़ना पूरा ही है। हाँ, ये इसमें हर एक डायग्राम, हर एक इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए इसमें। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के लिए क्या सही है, ब्लड ग्रुप्स एंड टिश्यू मैचिंग इज एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, सही बात, सही है, बात। ये दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर मिसमैच हो जाएगा तो फिर ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है, पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ, उसको जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको जिंदगी भर लगभग इम्यूनोसप्रेसेंट जो होते हैं, जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, वो लेने पड़ते हैं, नहीं तो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए ये बात भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, साइक्लोस्पोरिन इज एन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, ये बात भी ठीक है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा Four. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of, किसके कारण हो जाता है, लीवर सिरोसिस डिजीज है, जिसमें लीवर धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, लीवर की जो डैमेजिंग होती है, लीवर सिरोसिस जो होती है,
किसके कारण होती है? कंटिन्यू एल्कोहल का यूज कंटिन्यू अगर कर रहे हैं तो उन पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस हो जाती है, जो कंटिन्यू बेवड़े होते हैं, कंटिन्यू जो है वो ड्रिंकर होते हैं, उनके अंदर इस तरह के जो है वो लीवर सिरोसिस। एक्चुअली क्या है सर कि इसमें लीवर में वो एंजाइम है जो एल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अब उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक जाकर वो उस एल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूस एल्कोहल बॉडी में ट्रांसफर किए जाएंगे तो लीवर की जो सेल्स हैं जो उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही हैं और जो दूसरी हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज होने लग जाती हैं, एंड दैट लीड्स टू सिरोसिस, लीवर डैमेज हो जाता है। टिपिकल सिम्टम है एल्कोहल पेशेंट। Identify the given structure is. अब ये स्ट्रक्चर ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल, एस्पिरिन, मॉर्फिन और ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। तो किस टाइप का है? कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है। ये आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी में दो तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दे रखे हैं, एक डायस्टिल मॉर्फिन का भी दे रखा है और कैनाबिनॉइड दे रखे हैं। क्लियर? तो ये कौन सा एल्केलॉइड है? कैनाबिनॉइड एल्केलॉइड है, उसका दे रखा है। क्लियर? Which of following is a pair of viral disease का pair में से कौन सा है? Typhoid, tuberculosis दोनों bacterial disease है। Salmonella typhi और mycobacterium। Bacterium। Ringworm ये fungal है। AIDS viral हो गया। ये viral disease है। ये viral। Common cold है। ये भी viral। दोनों ही viral disease है। तो ये viral disease जो है वो इसमें ये दोनों हो गए। Common cold, rhinovirus से, AIDS साइक्लोस्पोरिन का प्रोडक्शन किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ना, मोनेस्कस परक्यूरियस। ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को होता है, ये इस फंगस से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपके अब देखिए इसमें साइक्लोस्पोरिन जो है उसका तो आपके इसी में दे रखा है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट होता है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो इसमें काम में लिया जाता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। इसका प्रोडक्शन ये आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्यों सर? तो अपने ये नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में यहाँ इस चैप्टर के साथ उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इसका प्रोडक्शन दे रखा है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ये? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्रोड्यूस होता है। क्लियर? ये थर्ड हो जाएगा इसका आइडेंटिफाई फॉलोइंग, इनको पहचानिए। ये क्या दे रखा है? ये इसमें ओपियम है, ये मॉर्फिन का वो दे रखा है, ये और ये ओपियल ड्रग्स मॉर्फिन और वो कैनाबिनॉइड है। क्लियर? ये मॉर्फिन पेन किलर हो गया। हाँ। और कैनाबिनॉइड ये हेलुसिनोजेनिक है। हाँ। तो उसके हिसाब से अब यहाँ ओपियम दे रखा है तो स्टिमुलेट दे दिया, ये गलत है, नहीं हो सकता। क्लियर? और बारबिट्यूरेट्स रिप्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉर्फिन पेन किलर थर्ड हो जाएगा इसका। ये तो मॉर्फिन का है जो किस टाइप में काम आती है? पेन किलर के रूप में। कैनेबिनॉइड से वो हेलुसिनोजेनिक है तो वो उसमें काम आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इफ देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू फॉर कैंसर डिटेक्शन इट इज कॉल्ड, जब अपन किसी जो सस्पेक्टेड जिस पे शक है कि साहब फलानी जगह कैंसर हो सकता है तो उस जगह के टिश्यू को बड़ी तरकीब से निकाल लिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं उस टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करने के और वो प्रोसेस वो कहलाता है बायोप्सी। तो कैंसर की जांच है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है बायोप्सी। तो माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लेके जाओ उसकी, क्योंकि एमआरआई में तो मशीन यूज हो रही है पूरे बॉडी को, अपन कहीं से भी एग्जामिन कर सकते हैं। सीटी स्कैन भी एक मशीन के थ्रू हो रहा है ना। रेडिएशन थेरेपी तो इलाज में काम में आती है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है सेल्स की, उसमें बेसिकली ये पता किया जाता है कि जो सेल्स है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या चेंजेस आए,
डीएनए के अंदर क्या चेंजेस आए, सेल की सरफेस में क्या चेंज आए, क्योंकि सर होता ही है कि जो कैंसर सेल होती है ना उसकी जो सरफेस होती है वो नॉर्मल सेल से डिफरेंट होती है। एक बड़ी भद्दी सी दिखने वाली सेल होती है कैंसर सेल, नॉर्मल सेल एक हेल्दी सेल अलग ही दिख जाती है, कैंसर सेल बड़ी एक अगली सेल होती है, भद्दी सेल होती है, दिखने में अच्छी नहीं होती, ओवरग्रो दिखने है ना, हाँ बड़ी अजीब सी होती है वो। तो वो सारी सेलुलर स्टडी बायोप्सी के थ्रू पॉसिबल होती है, तो कैंसर की डायग्नोस्टिक टेक्निक है बायोप्सी। नेक्स्ट, फर्स्ट आंसर इसमें सही है। तो स्मोकिंग के एडिक्शन से क्या होगा, एम्फाइसिमा, ये तो इसमें एम्फाइसिमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ऑल द अबव। कंटिन्यू अगर टोबैको का यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, सिगरेट बीड़ी पीने से, सिगार पीने से एम्फाइसिमा भी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, सीएडी, सारी बात है, ये सारी इनके कारण से पॉसिबल है। Clear? So all of this correct answer हो जाएगा इसका। Clear? तो ये अब तक हमने drugs and alcohol abuse से related और कुछ cancer AIDS जैसी disease से related जो question थे वहाँ तक approach कर चुके हैं कि इनमें इन drugs alcohol abuse की क्या अपने पे effect होते हैं और कौन सी drugs किसमें काम आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी सीक्वेंस में आगे नेक्स्ट आपके एप्लीकेशन जूलॉजी का पार्ट थोड़ा रहेगा, नेक्स्ट गुरु नीति में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री पे। क्लियर, तब तक के लिए बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ओके।